लोकसभा चुनाव का टाइम चल रहा है पूरे देश के अंदर, विदेशों तक भी इसकी खबर है कि लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो गठबंधन को आप किस तरह जैसे देखते हैं उसके बारे में बताएं। देखिए जी, गठबंधन अब तक जिन्होंने हमें लूटा वो अब जाएंगे लंदन, आपने देखा ना सब लंदन भाग रहे हैं, तो वो भी लंदन जाएंगे। अब यह गठबंधन हर हाल में सफल होगा, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनको रोक सके। पिछले जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उनमें ये दोनों पार्टी जो दूसरे स्थान पर रही षड्यंत्रपूर्ण तरीके से, यद्यपि वो जीतने वाले थे, उन दोनों स्थानों को मिलने के बाद एक स्थान पे आने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी वहाँ पर गठबंधन की उत्तर प्रदेश में आ रही है, इसी प्रकार से दूसरे राज्यों में से भी बहुत अच्छे समाचार मिल रहे हैं। आज साबित हो चुका है कि इस 144 मंबों पर खड़े इस गोलघर में अगर इसको कोई सुशोभित कर सकता है, लोकतंत्र को जिंदा कर सकता है, संविधान का मान रख सकता है, अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला प्रधानमंत्री ही दे सकता है। और बहन जी, मायावती के अलावा कोई बेहतरीन प्रधानमंत्री आज हो नहीं सकता, ये समय ने सिद्ध कर दिया। बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी सरकार के लिए कहा जाता है चौकीदार चोर है, तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? हम तो बचपन से देख रहे हैं उनके पास चोरी झूठ और षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं है। जब भी वो बोलते हैं झूठ ही बोलते हैं, और झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि सच्चा आदमी भी उसको देख करके लजा जाए। वो इस काम में बड़े तेज हैं, उनके पास यही उनकी एक योग्यता है कि झूठ को कैसे सत्य करके पेश करना है। झूठ और षड्यंत्र के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, और हम भी अगर मारे हुए हैं तो उन्हीं के झूठ और षड्यंत्र के मारे हुए हैं। हमारे बच्चे जो हमारे काबू में नहीं है वो उनके झूठ के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब समय आ गया है कि हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना है और उनके झूठ और षड्यंत्र से हमें दूर करना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।